हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आइए देखते हैं आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस एंड उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यानी कि इस पर्सन के इरादे क्या हैं आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर और वर्तमान स्थिति क्या है आप दोनों के इस रिलेशनशिप की। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एयर एलिमेंट साइन कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वाटर एलिमेंट मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर भी आ सकते हैं, इसलिए इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन के अगर इरादे की बात की जाए ना, इस पर्सन के इंटेंशंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर। आपके लिए जो फीलिंग इस पर्सन के दिल में है वो ट्रू हैं, तो इंटेंशंस तो इस पर्सन के ट्रू हैं, कोई गलत इरादा नहीं है इस पर्सन का आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। बट हाँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है जिसकी वजह से ये वर्तमान स्थिति कुछ गड़बड़ाई हुई है इस पर्सन के लाइफ में, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से इस पर्सन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ गई है, जिसकी वजह से ये इस वक्त ना काफ़ी प्रॉब्लम में खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए शायद ये आपके इनके रिलेशनशिप को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट इसके बावजूद कि ये पर्सन आपको टाइम तो नहीं दे पा रहा है, बट हाँ एक ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में कुछ पल सेलिब्रेट कर सके, एक दूसरे के साथ आप दोनों बिता सकें और ये पर्सन एक खुशनुमा माहौल आपके लिए क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं काफ़ी इमोशन से भरी हुई हैं। ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए जो भी कुछ इस पर्सन से बन पड़ा करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो इस पर्सन के जो इंटेंशन से आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जेन्युइन है, ट्रू है, बट सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल है जो इनके फेवर में नहीं है, तो ये उसे अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस वक्त काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।